से 100 रुपया लेके सेविंग कराने गया था, इसके बाद से लौट के नहीं आया। 4 जने मुझे बुलाने आया कि तुम्हारे बच्चे को किसी ने चाकू मार दिया, मैं संजय गांधी में डाल आई। जो मेरे बेटा को मेन जो चाकू मारा था वो नहीं पकड़ा गया, वो पकड़ा जाए। हमें सेफ्टी चाहिए, हमें दो बच्चे हैं, उसकी सेफ्टी चाहिए, एक लड़की एक लड़का है, जो मेरे डर बना हुआ है। नमस्कार, मैं ऋषभ और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के राजपार्क इलाके में, जहां से एक और सनसनी केस मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक 21 वर्षीय लड़का जिसका नाम कृष्णा बताया जा रहा है, उसकी चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। ये पूरी वारदात रात को तकरीबन 9 से 9:30 बजे करीब की बताई जा रही है, जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने बर्थडे से ठीक एक रात पहले बाहर घूम रहा था। उसी बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और उसमें से बताया जा रहा है कि 4 आरोपी है जिन्होंने चाकू से उसके ऊपर हमला कर दिया और उसको जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया। अब क्या कुछ परिवार का कहना है, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। इस वक्त कृष्णा की माताजी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, क्या नाम है आपका? पुष्पा नाम है। आपके बेटे की हत्या की गई, कोई कारण पता चला क्यों हुआ था ये? कारण नहीं पता चला। मेरे बच्चे की बर्थडे 22 अगस्त में थी, 21 अगस्त के रात में मार दिया। मेरे 9 बजे तक मेरा बच्चा मेरे साथ था, इसके बाद उसको पता नहीं है। मेरे से 100 रुपया लेके सेविंग कराने गया था, इसके बाद से लौट के नहीं आया। 4 जने मुझे बुलाने आया कि तुम्हारे बच्चे को किसी ने चाकू मार दिया, मैं संजय गांधी में डाल आई हूँ। ठीक है तुम्हारा लड़का, लेकिन मैं गया तो मुझे डॉक्टर ने देखने नहीं दिया। बाद में सुबह पता चला मेरा बच्चा उसी टाइम ख़त्म हो चुका, डेथ करा बॉडी लेके गया था ये लोग, हॉस्पिटल में किसी और नहीं पहुंचाया। अब वो मारने वाला पहुंचाया या क्या हमें नहीं पता। अब मैं इतना कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बेटे की, जो मेरे बेटा को मेन जो चाकू मारा था वो नहीं पकड़ा गया, वो पकड़ा जाए। हमें सेफ्टी चाहिए, हमें दो बच्चे हैं, उसकी सेफ्टी चाहिए, एक लड़की एक लड़का है, जो मेरे डर बना हुआ है, उसकी सेफ्टी चाहिए, बस और नहीं कुछ कहना। तकरीबन कितने लोग होंगे जिन्होंने हत्या की, कोई अंदाज़ा है इस बात का? 4-5 लोग बता रहे हैं, CCTV कैमरा में आया है, 4-5 लोग हैं। एक लेकिन भाग, पहले ये लोग में बहस हुई क्या हुई, लेकिन एक भाग कर आ रहा है वो नहीं पकड़ा गया, जो चाकू मारा है, मेन जो चाकू मार दिया मेरे बच्चों को। क्या पहले कृष्णा की कभी कोई गाली गलौच या कहासुरी हुई थी किसी से, कोई लड़ाई झगड़ा? हमारे घर तक नहीं पता, बाहर क्या हुई थी ये कभी नहीं, घर तक नहीं आई बात मुझे, कोई बात आज तक कोई शिकायत नहीं। गली पड़ोसी से आप पूछ लो, घर तक कोई शिकायत नहीं है, जो मैं नहीं बता सकती क्या बात थी। मेरे बेटा खुश था और दिन इंजॉय करने की सोच रहा था। अच्छा, जो 4 आरोपी आप बता रहे हैं उनमें से आप किसी को जानती हैं, किसी को पहचानती हैं? हमने तो पता भी नहीं कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, सारे दोस्त आके रो रहे हैं। अब मैं उसमें जानूं कौन सा दोस्त है कौन दुश्मन है, ये मुझे नहीं पता, हम किसी को नहीं जानते। तो आपने परिवार के लोगों की बात सुनी, उनकी माँ का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल था, उनके महज 21 साल के छोटे बेटे की इस प्रकार से चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को इस प्रकार से दम तोड़ते हुए देखा, तो माँ के दिल पर क्या बीती उसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये जो पूरी वारदात है CCTV कैमरा में भी कैद हुई है, इसकी जो वीडियो है वो आप लोगों ने भी देखी कि किस प्रकार से जो आरोपी है वो चाकू गोद रहे हैं कृष्णा नाम के लड़के को। और आए दिन ऐसी वारदातें जो राजपार्क और मंगोलपुरी थाना क्षेत्र से सामने आ रही है, इसने इलाके में बहुत ही ज़्यादा तनाव का माहौल पैदा करके रख दिया है। लोगों में भी एक डर का माहौल इसी चीज़ की वजह से बना हुआ है कि महज छोटी छोटी बातों पर लोगों की चाकू से गोद कर अगर इस प्रकार से निर्मम हत्या की जा रही है, तो जो पुलिस का और प्रशासन का डर अपराधियों के मन में होना चाहिए था, आखिर वो कहाँ पर है? जो पुलिस और प्रशासन का डर अपराधियों के मन में होना चाहिए था वो बिल्कुल ख़त्म होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो ऐसे मानसिकता वाले
अपराधी है जो महज छोटी सी बातों पर लोगों की हत्या कर रहे हैं वो भी खुलेआम घूम रहे हैं, उनमें अभी भी कानून का डर नहीं बना हुआ है, तो पुलिस की भी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी इस केस में आरोपी है उनको जल्द से जल्द पकड़कर हिरासत में डाला जाए और जो भी ऐसे आपराधिक तत्व के लोग खुले घूम रहे हैं उनकी भी जल्द से जल्द धरपकड़ की जाए। कैमरा पर्सन रूपाली के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।